हाय एवरीवन, दिस इज़ किरण। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिवाली बस आ ही चुकी है और आप सभी के घरों में पकवान बनने का सिलसिला चालू हो चुका होगा। तो इन्हीं पकवानों में एक रेसिपी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही फेमस मिठाई है। तो आज मैं लेकर आई हूँ मोहन थाल की रेसिपी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं बिना मावे की मोहन थाल। तो आज हम बिना मावे के मोहन थाल को बनाने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स रख लिए हैं एक साथ। यहाँ मैंने लिया है 1 कप मोटा बेसन। याद रखिएगा कि मोहन थाल के लिए आप मोटा बेसन ही इस्तेमाल करें, बारीक बेसन नहीं। 1/2 कप हमने चीनी ली है। साथ में हमने लिया है 6 टेबल स्पून मिल्क। से मेज़र करें तो ये 1/2 कप में 2 टेबल स्पून कम है। 1.5 टेबल स्पून शुद्ध घी और लिया हुआ है, मेल्टेड और ल्यूकवॉर्म। और साथ ही में 1.5 बड़ा चम्मच ही यहाँ मैंने गर्म दूध लिया है अलग से। और यहाँ मैंने लिया है 5 टेबल स्पून शुद्ध घी और ये भी मेल्टेड लिया है मैंने गुनगुना। 1/2 टीस्पून मैंने दरदरी कुटी हुई इलायची ली है और साथ ही में हमने यहाँ केसर ली है। इसके कुछ धागों का इस्तेमाल हम आगे करेंगे और 1/2 कप ही हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम 1.5 बड़ा चम्मच जो हमने दूध लिया है गरम, उसको लेंगे और उसमें हम 1.5 बड़ा चम्मच जो हमने अलग से घी लिया है वो मिक्स कर देंगे। अब इस मिक्सचर को हम बेसन में डालेंगे। अब हाथों से हम अच्छे से इस मिक्सचर को बेसन में मिला देंगे इस तरह से। जब थोड़ा मिक्स हो जाए तो हम दोनों हाथों का इस्तेमाल कर इस तरह से बेसन को रब करेंगे। बेसिकली हमको बेसन में थोड़े दाने बनाने हैं क्योंकि मोहन थाल दानेदार होता है। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारा बेसन तैयार हो चुका है। अब इसको हम दबा देंगे और ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब इस बेसन को हम छानेंगे। तो पहले मैं एक प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और बोल में हम रखेंगे छन्नी। इसमें डाल देंगे हम बेसन और इसको छानेंगे। पहले हम इस स्पैचुला से दबा दबा कर छान लेंगे। छानने के लिए आपको मोटी छन्नी का इस्तेमाल करना है। अब हम हाथों से इसको प्रेस करते हुए छानेंगे। तो देखिए पूरा बेसन छन चुका है, बस इतना मोटा मोटा रह गया है। इसको हम अलग निकाल देंगे और हमारा बेसन तैयार है मोहन थाल के लिए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें जो हमने 5 टेबल स्पून घी लिया है शुद्ध वो डाल देंगे और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। तो घी हल्का गर्म हो चुका है, इसमें हम बेसन ऐड कर देंगे हमारा बनाया हुआ, मिक्स करेंगे। अब इस बेसन को हमको अच्छे से भुनना है, इसका पूरा कच्चापन हमको ख़त्म करना है, अच्छा लाइट ब्राउन कलर आने तक इसको भुनना है। और भुनने की पूरी प्रोसेस हम एकदम लो फ्लेम पर करेंगे, कहीं भी हम फ्लेम को थोड़ा भी बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि जब बेसन लो फ्लेम पर भुनता है तो वो एक सा भुनता है और मोहन थाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो पेशेंस के साथ आप धीरे धीरे इस बेसन को भुनें। तो देखिए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और बेसन का कलर हल्का चेंज होना स्टार्ट हुआ है। अभी हम सिर्फ 1 कप बेसन का मोहन थाल बना रहे हैं तो ये जल्दी ही भुन जाएगा। तो देखिए अब बेसन का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है, पर अभी भी कुछ मिनट हैं इसको भुनने में और आप देख सकते हैं कितना दानेदार बेसन दिख रहा है। तो देखिए अब बेसन हमारा पूरी तरह भुन चुका है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। आप खुशबू से ही समझ जाएंगे कि बेसन परफेक्टली भुन चुका है और आप देखिए कितने बढ़िया दाने दाने दिख रहे हैं इसमें। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें दूध मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके थोड़ा मिक्स करेंगे, एक साथ मत डालिएगा, फिर थोड़ा दूध डालेंगे, मिक्स करेंगे और अब हम बाकी का पूरा दूध ऐड कर देंगे। अब दूध के जलने तक इसको थोड़ा कुक करेंगे, फ्लेम अभी भी लो है। तो दूध हमारा पूरा जल चुका है, अब इसको हम उतार देंगे और शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें डालेंगे हम 1/2 कप ही पानी, इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 कप शुगर और साथ ही में हम इसमें इलायची डाल देंगे। तो बॉयल होने लगा देंगे। हमको 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चाशनी चिपचिप होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। कुछ केसर के धागे भी इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो अब हम चेक कर लेंगे, तो चाशनी चिपचिप होने लगी है। अब इसमें हम कलर ऐड कर देंगे, कलर टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें कलर ऐड कर रहे हैं, मिक्स करेंगे। चाशनी हमारी रेडी है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और वापस अपना बेसन वाला मिक्सर लाएंगे। अभी फ्लेम ऑफ है, इसमें हम चाशनी डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे, लो फ्लेम पर ही हमको अभी भी इसको पकाना है और थोड़ा गाढ़ा होने तक इसे हमको कुक करना है।
बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। बेसन अच्छे से चाशनी को सोक कर ले, इतनी देर हमको इसको कुक करना है। तो आप देख सकते हैं बेसन ने चाशनी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है और मिक्सचर अच्छा हो गया है गाढ़ा। देखकर ही समझ में आ रहा है कि अब बर्फी बनाने लायक हो गया है मिक्सचर। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब यहाँ एक मैंने बोल लिया है, इसमें बटर पेपर लगा दिया है, इसमें तैयार किया हुआ मिक्सचर डालेंगे, अच्छे से सेट कर देंगे। जितनी मोटी आपको बर्फी चाहिए वैसी आप इसमें सेट कर सकते हैं। अब इसमें हम चांदी का वर्क लगा देंगे, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और अब इसको हम पूरी तरह ठंडा होने देंगे। तो हमारा मिक्सचर पूरी तरह ठंडा हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे, एक प्लेट में कट कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया मोहन थाल बना है। जब आप इसको खाएंगे आपको इसका हर एक दाना महसूस होगा और साथ ही साथ इसका हर एक दाना बहुत ही सॉफ्ट होगा, करारा नहीं होगा। तो देखिए कितना बढ़िया मोहन थाल बन के तैयार हुआ है। तो इस दिवाली आप इस मोहन थाल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेज़रमेंट का खास ध्यान रखिएगा। हमने जिस कप से बेसन को मेज़र किया है वो 250 ml का कप है। तो यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।